दुर्ग पुलिस ने बुधवार की देर रात को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर बुलेट चलाने वालों पर कार्यवाही की है। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक भी किया। ट्विन सिटी में इन दिनों बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। युवा टशन दिखाने के लिए बाइक में इस तरह के साइलेंसर लगाकर फराटा भरते हैं, जिससे राह चलते लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। नेवे पुलिस ने बुधवार रात को मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले दो पहिया वाहनों पर चलानी कार्रवाई की है। अभी हमको लगातार हमारे वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त हो रहा था कि ये जो मोटरसाइकिल बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर रहे हैं या अन्य मोटरसाइकिल में, बुलेट में या फोर व्हीलर्स में प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके पालन में अभी हमारे द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रेशर हॉर्न है और मॉडिफाइड साइलेंसर है उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि सभी हेलमेट पहनकर वाहन चलाए, वही अपने बाइक को वह बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। पुलिस ने बच्चों के माता पिता से भी बच्चों को बाइक या बुलेट देते समय हेलमेट पहनाने और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने प्रेरित करने की अपील की। जी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूंगा उन माता पिता लोगों से जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दिए हुए हैं, तो कृपया बच्चों को अपने मोटरसाइकिल देते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो हेलमेट अवश्य लगाएं। दूसरी चीज़, माता पिता स्वयं ध्यान दें कि उनकी गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर ना हो और प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करें। जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान है उनका पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, और चूंकि अभी यातायात सुरक्षा माह भी हमारे विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है तो उसके अंतर्गत हम जागरूकता के कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन यातायात के नियमों का पालन करने के लिए स्वयं भी प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।